राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है और हिमाचल प्रदेश में जब से भारी बारिश के बाद त्रासदी हुई है उसके बाद से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग आरोप प्रत्यारोप जारी है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटू राम की संज्ञा दी है, वहीं मंत्री ने उन्हीं को ये संज्ञा दे डाली। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनको ये खिताब हिमाचल की जनता ने बड़े प्यार से दिया है, अगर ऐसे ही जयराम ठाकुर उस खिताब को नकार देंगे या औरों को देंगे तो कल उनको कुछ नहीं मिलना, इसीलिए जो उनको मिला है वो उसे अपने पास संभाल कर रखें और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दें। जयराम ठाकुर ने हर निर्णय को बदल दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में साथ साथ मुख्य सचिवों को बदला। वो कोविड के दौर में सुबह फैसला लेते थे और शाम को फैसले को बदल देते थे। जो ये खिताब दिया है हिमाचल की जनता ने बहुत प्यार से दिया है, और अगर ऐसे वो उस खिताब को जयराम जी निकार देंगे या औरों को देंगे तो कल को उनको कुछ नहीं मिलना, इसलिए कुछ तो जो उनको मिला है उसको जो है संभाल कर रखना चाहिए और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज पलटू राम ऑफ हिमाचल तो सबसे ऊपर नाम जो है वो जयराम ठाकुर जी का आएगा। हर निर्णय उन्होंने बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी अपने साथ, चीफ सेक्रेटरी अपने 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 कार्यकाल के अंदर उन्होंने बदले। कोविड के समय में सुबह फैसला लेते थे, शाम को उस फैसले को बदल देते थे। तो ये अभी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, ये समय आपदा का है। आपने देखा कल सब, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, मुख्यमंत्री जी भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, गडकरी जी भी थे, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम इस आपदा से बाहर निकले। जब ये आपदा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद रणभूमि में जाकर फिर से दो दो बात करते हैं।